हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कल से पूरे देश में सिर्फ राजनीति की एक बड़ी खबर की ही चर्चा हो रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस को छोड़ना और फिर आज बीजेपी में जाना। लेकिन देश के राजनीतिक पटल पर पिछले 2.5 घंटों से गृह मंत्री का वो जवाब ट्रेंड कर रहा है जो दिल्ली में हुए दंगों पर उन्होंने आज लोकसभा में दिया है। दिल्ली के दंगों को करीब 15 दिन हो गए हैं। इन दंगों पर चर्चा की मांग विपक्ष सत्र के पहले दिन से कर रहा था, लेकिन सरकार ने होली के बाद दंगों पर चर्चा की और आज जब चर्चा हुई तो गृहमंत्री अमित शाह ने उस बात पर मोहर लगा दी जो बहुत लोग पहले से कह रहे थे, और वो बात यह है कि दिल्ली में दंगा कराने के लिए उत्तर प्रदेश से 300 लोग आए थे, यानी दंगों की स्क्रिप्ट पटकथा पहले से तैयार थी और यह तैयारी दिल्ली से बाहर यूपी में की गई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा भी आज गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्ष के हर उस आरोप का जवाब दिया जो सरकार पर लगाए गए थे। 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 भारतीयों के घर जले हैं। You have become Prime Minister on my dead body. Shame on you. 3 दिन आप कहां थे? तो वो जो नीरो थे, जब रोम जल रहे थे तो नीरो बांसी बजा रहे थे। मान्यवर 2 SIT की टीमें बनाई हैं जो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों की अध्यक्षता में बनी हैं, जो 49 के आसपास सीरियस टाइप के गुनाहों की जांच करेंगे। एंड वी हैव नो फेथ इन योर SIT। दिल्ली हिंसा के करीब 15 दिनों के बाद गृहमंत्री संसद में बोलने आए तो विपक्ष ने तीखा प्रहार किया। दिल्ली में जो हुआ उसके लिए विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बतौर गृहमंत्री अमित शाह की भूमिका पर सवाल उठे। अमित शाह ने विरोधियों के एक एक हमले का जवाब दिया, लेकिन पहले अमित शाह की जुबानी दिल्ली दंगे की क्रोनोलॉजी समझिए। 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, NTCA रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया। जब अमित शाह बोल रहे थे तब कांग्रेस ने खूब हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सबका भाषण धैर्यपूर्वक गंभीरता से सुना है, मेरी आपसे प्रोटेक्शन की भी मांग है, आप मुझे संरक्षण दीजिए, सब मेरा भाषण भी जरा शांति से सुने और सुनना चाहिए। लेकिन अमित शाह की अपील काम नहीं आई और पूरी कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। ये सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये परंपरा उचित नहीं है। इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा मांगना, चर्चा के समय अपने मुद्दों को ठीक प्रकार से कहते हुए जो जो सरकार को कोसना है वो सब बातें कहना, वो उनका अधिकार है। और जब सम्माननीय गृहमंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण न होते हुए भी सभा त्याग करके चले जाना, ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है, इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन वॉकआउट से पहले कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने नीरो की बांसुरी और रोम की कहानी के जरिए सीधा सवाल किया कि जब दिल्ली जल रही थी तब अमित शाह अहमदाबाद में क्यों थे? 3 दिन आप कहां थे? तो वो जो नीरो थे, जब रोम जल रहे थे तो नीरो बांसी बजा रहे थे। आज लगता है कि हमारा देश में नीरो आ गए। जब दिल्ली जलते थे तो मुरली लेकर हमारे नीरो चले गए गुजरात में, अहमदाबाद में, और प्रेसिडेंट ट्रंप की मेजबानी करने के लिए। जब अमित शाह की बारी आई तो उन्होंने अधीर रंजन को जवाब दिया। मैं सदन के सामने आया हूं, अधीर रंजन जी ने शुरू किया कि खून की होली अभी भी चल रही है। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि 25 तारीख की रात को 11 बजे के बाद एक भी कम्युनल रायट की घटना नहीं।
विपक्ष की ओर से अमित शाह पर सबसे बड़ा हमला AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी गृह मंत्री को ही ये समझा रहे थे कि दंगे ने हिंदू मुसलमान को दर्द नहीं दिया है बल्कि हिंदुस्तान की पहचान पर चोट की है। इस पर अमित शाह ने ओवैसी को जवाब दिया और साथ में उनके विधायक वारिस पठान को भी दंगा भड़काने का जिम्मेदार बताया। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइदर और साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं और अंकित शर्मा का खून का भेद भी मुझे आशा है वो ही वीडियो में से बाहर आने वाला है मान्यवर, जो वीडियो किसी नागरिक ने देखा है। ओवैसी जी ने बड़े जुनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, ओवैसी साहब मंदिर भी जले, जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्मस्थान चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जलना चाहिए। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में IB के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती था, सदन की शोभा बढ़ती। ओवैसी को जवाब देने के दौरान गृह मंत्री ने देश को ये भरोसा भी दिया कि दंगे का कोई एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़ा जाएगा। दिल्ली की जनता को विशेषकर और देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी दंगा करने की हिमाकत की है वो कानून की गिरफ्त से इधर उधर एक इंच भी भाग नहीं पाएंगे। आज मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं, मगर जहां तक अरेस्ट का सवाल है, अरेस्ट उसी की होगी जिसके खिलाफ स्टॉन्च सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे और वो सबूत पुलिस पहले जांचेगी, सीनियर अफसर जांचेगा, तभी जाकर करेंगे। इसलिए ओवैसी साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में 3 दिनों तक दंगाइयों ने जो हिंसा की उसके बाद सवाल दिल्ली पुलिस की सुस्ती पर भी उठ रहे हैं, लेकिन आज संसद में दिल्ली पुलिस के बॉस अमित शाह ने पुलिस का पूरा बचाव किया बल्कि तारीफ भी की। मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं कि सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि मान्यवर ये 20 लाख लोगों के बीच में जो दंगा हो रहा था इसको दिल्ली में स्प्रेड नहीं होने देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं मानता हूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस ने निभाया है। 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे, वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। अमित शाह ने कहा कि 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस को हिंसा की पहली सूचना मिली और 25 फरवरी की रात 11 बजे आखिरी सूचना मिली। दिल्ली पुलिस ने 36 घंटे में दंगे पर काबू पाने का काम किया। दिल्ली दंगे की जांच कहां तक पहुंची, सदन में गृह मंत्री ने इसका पूरा खाका पेश किया। दंगे की जांच के लिए SIT की 2 टीमें बनी है। SIT 49 सीरियस मामलों की जांच करेगी। पहचाने गए 1100 दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए 40 टीमें बनी हैं। 300 से ज्यादा लोग यूपी से दंगा करने आए थे। 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं। आर्म्स एक्ट के तहत 49 केस दर्ज हुए और 152 हथियार जब्त हुए। नरेंद्र मोदी सरकार किसी भी दंगाई को नहीं बख्शेगी। जिन्होंने संपत्ति जलाई है उनको पकड़ेंगे, संपत्ति जब्त करेंगे। दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में करीब 5 घंटे तक ये जोरदार बहस हुई, लेकिन दंगों के खिलाफ ईमानदार कोशिश, एकजुट राय बनाने से ज्यादा राजनीति हुई है। और मैं बताती हूं कैसे। विपक्ष के एक सांसद दंगों के दौरान नुकसान का धार्मिक आंकड़ा मांग रहे थे, एक विशेष धर्म के लोग कितने मरे हैं, उनको कितना नुकसान हुआ है, ये पूछ रहे थे। ओवैसी सरकार पर तो नफरत का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी के नेता वारिस पठान की नफरती भाषण को नजरअंदाज कर गए। बीजेपी के नेता दूसरी पार्टी के नेताओं पर नफरत फैलाने का आरोप तो लगाते रहे, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई को लेकर कुछ नहीं बोल पाए। यानी हर पार्टी एक दूसरे को दागदार या खुद से ज्यादा दागदार साबित करने में लगी रही। मास्टर स्ट्रोक, राजनीतिक वार पलटवार नहीं, दंगों पर ठोस प्रहार चाहिए। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज
प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।